रेत माफिया के खिलाफ खबर लगाने पर पत्रकार को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर मेरी फोटो निकाली तो तुझे गोली से मार दूंगा। जी हां, आपको यह बता दें कि दतिया जिले की तहसील भांडेर में इस समय रेत उत्खनन चरण सीमा पर है। दतिया जिले की तहसील भांडेर में रेत का व्यापार अवैध रूप से चल रहा है। रेत माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको ना तो पुलिस की परवाह है ना ही किसी राजनेता की। रेत माफिया तहसील में धलड्डे से अवैध उत्खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। रेत माफिया शरद तिवारी ने भांडेर के इस पत्रकार विपुल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। शरद तिवारी ने पत्रकार को बीच चौराहे पर रोक कर कहा, अब अगर मेरी खबर लगी तो तुझे गोली से मार दूंगा। घटना से पत्रकारों में आक्रोश है। सोमवार को सभी पत्रकार एसपी से मिलकर रेत माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करेंगे। पुलिस की माने तो उनका कहना है कि जल्द ही हम इसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। रेत माफिया शरद तिवारी द्वारा जान से मारकर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया आप कभी हमारे ट्रैक्टर की फोटो खींची तो हम ट्रैक्टर से कुचल देंगे। और ये मामला आज ही का है, सुबह का। निरंतर इधर उधर से सूचना मिलती रही लेकिन उस चीज़ को अपन ने गंभीरता से नहीं लिया। आज जब समक्ष आके उसने ये बात कही तो हमें थाना भांडेर और एसडीओपी भांडेर को आवेदन देना। पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है, इस पे आप क्या कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और आगे से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? तो तत्काल मैंने थाना भांडेर को पकड़ में अपराध पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया है और तुरंत कार्रवाई के लिए बोला है और ये के लिए तो हम कार्रवाई करते हैं। अब मतलब आज कितनी बार से थाने वालों को मतलब वो करता हूँ और इसका मतलब सब करता हूँ वो ऊपर माइनिंग वालों से भी बात करके और जो दंग बग रहे हैं जब कराते हैं कार्रवाई। यदि इस माहौल में पत्रकार काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोग धमकियां देते हैं और इसमें लोग भी धमकी देगा, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करेगा या जब पत्रकारों के साथ कोई अपराध करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।